वेलकम अगेन गाइस, तो आप सबका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। यहाँ से करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। लोकेशन एक बार चेक करो, कितनी बढ़िया लोकेशन है ये वाली। बस पहुँचने वाले हैं तो लो जी, पहुँच गए यहाँ पर। तो आज इनका काम बचा हुआ है, खिड़कियों वाले को करते हैं फाइनल आज, और करते काम फाइनल यहाँ पर आज। बाकी छत से स्मार्ट जहाँ पर डल गई सारी, अब की बची हुई अंदर वाले खिड़कियों के लगाने हार्डवेयर वगैरह, तो उसको करते कंप्लीट और उसके बाद कर देंगे सारा काम जो फाइनल। तो चलो करते। यहाँ पर फार्म के तरफ काम ये वाला, यहाँ पर लिखे अब दीवारें वगैरह आएंगी, गेयर ऑन ब्रेक अभी यहाँ से, यहाँ सब दीवारें आएंगी यहाँ से, यहाँ सब दीवारें के बीच में जन्नी वगैरह, और चलो वो काम सारा। तो चलो करते हैं, ये खिड़कियाँ अभी, ये दरवाजा बढ़िया फिटिंग होगी इसके। अब दरवाजा जी आ गया। अब यहाँ टाइल में जो गैप काफ़ी है ये वाला, पर काफ़ी दीवारों में इसमें सारा भर जाएगा सीलेंट। बाकी बड़ी हो गई बच्चे, तो हमें यहाँ पहुंचे हुए लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं। लेकिन जो इनके दरवाजों की चाबी थी वो हमने रात को दे दी थी भाई साहब के पास, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं है, तो इसलिए खड़े हैं बाहर। बाकी एक नंबर हो गई ये रे खिड़कियाँ, ग्लास आ गए वाली, बाकी जो बीच में आ गए बनने के वाले बीच में बढ़िया सोचा के दरवाजा, चाबी इनके पास होगी, ये बड़ा दरवाजा। अब यहाँ से देखो ये वाला, अब देखो यहाँ से बढ़िया हो गया ये वाला। बस ये कि जैसे टेल वगैरह लगाते हैं तो उससे फिनिशिंग अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप है बीच में यहाँ पर, जैसे जब यहाँ पर तो चलो सिलेंडर भर जाएगा। बाकी बढ़िया हो गया जिस चौकट में भी ठीक है, थोड़ा सा ऊपर भरेगा सिलेंडर और इस कोने में, और यहाँ पर भरेगा सिलेंडर, इतना गैप है देखो, ये सारा फर्क में इतना ज़्यादा फर्क है, नीचे बिल्कुल टाइट पड़ी है। हो गया तो चलो उस तरफ देखते हैं थोड़ा। तो लो जी फाइनली चाबी आ गई है, और कम से कम एक घंटा में वेट करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है। बाकी अब ये वाला दरवाजा हम निकाल के यहाँ पर लगाएंगे हम एल्युमिनियम का ये वाला दरवाजा, एसीपी वाला दरवाजा ये वाला, और ये निकाल दिया हमने लोहे का दरवाजा पहले वाला, और अब लगाएंगे ये वाला एसीपी डोर। तो ये एल्युमिनियम का दरवाजा करेंगे हम लोहे की चौखट में फिक्स। एल्युमिनियम का दरवाजा, इसको आप लकड़ी में चाहे लोहे के चौकट में चाहे जापानी शीट में किसी में भी लगा सकते हो। और अंदर एक तरफ से मैंने फ्लैट लगाकर ऊपर से कब्जा लगा दिया है, और अब फ्लैट कर रहे हैं बेल्ट।
बस सिंपल सा ट्रिक था इसमें, ऐसी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अमेरिकन हैंडल फाइनली। अब जो हमारे बच्चे लगाने को दो वेंटिलेटर, तो ये लगेंगे जो फैन की जगह यहां पर। इन कोलकाता फिर चलते हैं। अब देखो यहाँ से कितना बड़ी लग रहा है रोड, ये वाला बिल्कुल सीधा रोड आगे तक कितनी दूर तक, और इसके जो साइड में लगे ना टी गार्डन, ये वाला एक नंबर। तो लो जी पहुँच गए घर पर, सुबह तक करते खाते खाना और फिर देखते हैं बाकी काम। और बाकी भी टाइम जो हुआ है बच गए अभी लगभग अभी 1:58, और अब ऐसा करते खाना खाते पहले, और बाकी वहाँ का जो वाला काम था वो तो कम्प्लीट हो गया सारा। बाकी मिलते हैं। अपनी रोंगी साथ में अभी चटनी। तो लो जी फाइनली पहुंच गए यहाँ साइट पर। तो यहाँ पर क्या काम है, चलो चलते छत के ऊपर सीधा, वहीं पर करते हैं बात। तो लो जी आ गए हैं यहाँ छत के ऊपर, जो इनका सरिये मैंने यहाँ पर पहले रखवाए थे, और सरिये रखवाए गए थे जहाँ पर डलनी इनकी छत। तो एक दिन की छत हमने डाली थी वो वाली सामने, ये वाली ऊपर से बढ़िया लग रही है यार। और बाकी इसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका वीडियो जो है पर अच्छा कर सकते हो पूरी डिटेल में। और बाकी अब इनकी जलेगी डलेगी यहाँ पर छत, और भाई हाइट थर्ड फ्लोर पर ये वाली काफ़ी ज़्यादा हाइट है। तो चलो चलते हैं सामान लेने के लिए। तो लो जी पहुँच गया हूँ घर पर। तो कैसा करते हैं कि ये निंजा तो गए होंगे शायद बाहर कहीं घूमने के लिए, उनके पास साइकिल चलाने के लिए गया हुआ है, तो घर के भी साथ में गए होंगे घूमने। तो अब ऐसा करते हैं कि हम चाय पियेंगे अपनी, और फिर हमें जाना है आज शनिवार, तो शनि मंदिर में जाएंगे। तो ऐसा करते पहले चाय पीते हैं फिर चलते उसके बाद। तो पहले उनको फ़ोन कर दिया मैंने आकर, बाकी आते हैं फिर। तो लो जी पहुंच गए मंदिर में। तो अब ऐसा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे देखने में तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल कर दो सब्सक्राइब। और आपसे मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।